आज मैं उसको चैलेंज करूंगी। हमारे साथ में है दया। गाइस प्लीज प्रे फॉर मी। भले भले ए भले भले इतना भी नहीं पता तुझे मेरे बारे में। Hi guys, I hope you all are doing great. Well, I know कि मेरे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही excitement है आज, क्योंकि मैं कुछ आज बहुत fun करने वाली हूँ. Actually क्या है कि मैं एक ऐसे reels पे scroll कर रही थी, मुझे एक बहुत ही अच्छा Korean noodles का reel दिखा. But when I saw the packet, I was like, ये तो Korean noodles मेरे घर पे है. आज मैं उसको challenge करूँगी. And he's very competitive when it comes to challenges. I think वो मानेगा. वैसे भी मैं उसकी बीवी हूँ, मनवाना मुझे थोड़ा सा आता है उसको तो. आदि, तूने अपना फोन देखा? मैंने तुझे कुछ भेजा है। क्या भेजा है भाई? देख देख देख, मैंने रील्स पे तुझे कुछ भेजा है। क्या है भाई ये? लेकिन मैं क्यों करूँ यार? तुझे पता तो है मुझे स्पाइसी पसंद नहीं है यार। आई थिंक वी शुड डू दिस एंड आई चैलेंज यू दैट यू कैन नॉट ईट इट। इट्स अ चैलेंज। वेरी गुड। तुझे पता है तू मुझे चैलेंज करेगी तो मैं मना नहीं करूंगा। तेरा चैलेंज एक्सेप्टेड। चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि तीखा जब मैं खाता तो मैं कैसे खाता था। बस जस्ट वांट टू टेल यू कि हमारे पास 5 पैकेट है और एक एक्स्ट्रा स्पाइसी है, तो वो 4 पैकेट तू हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ ठीक है ना, स्पाइसीएस्ट वाला करेंगे। लेकिन चैलेंज क्या है ये तो बता। तो मैं तुझे अपने बारे में 5 सवाल पूछूंगी। ओके। और अगर तूने गलत जवाब दिया तो तुझे एक बाइट खाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। एक बाइट ही लेना होगा ना? हाँ, एक बाइट मतलब ऐसे वाला नहीं, वाला बाइट। अच्छा, और फिर क्या होगा? इवेंचुअली 5 क्वेश्चंस के बाद जिसके ज्यादा राइट हुए वो विनर, और रॉन्ग हुआ वो लूजर। और लूजर को क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हम बाद में ऑडियंस को बताएंगे सोच के। जीतने वाला तो मैं हूँ, तो आपको तो पता है मैं तो मजेदार कुछ। चल चल, पहले नूडल्स बना। ये है स्टार ऑफ द शो, रेड सुपर स्पाइसी नूडल्स। सो एक्साइटेड, मुझे पता है आदि हारने वाला है बिग टाइम। चल झूठा। वेरी गुड मैडम, तुमने तो बड़ी अच्छी सी प्लानिंग की है यार। मेरी पुंगी वगैरह का प्लान बनाया? यस, क्योंकि मैं स्पाइसी खा सकती हूँ, आदि स्पाइसी नहीं खा सकती। यार ये दिखा जरा, ये लग रहा है इस पे लिखा भी है यार सुपर स्पाइसी, ये तो बैंड बन जाएगी यार मेरी। लेकिन अगर मेरा एक भी जवाब गलत नहीं हुआ तब क्या होगा मैडम? मैं सवाल ही ऐसे पूछूंगी कि तेरे सारे जवाब ही गलत हो? चीटिंग करता है तू। में ना पीछे कुछ लिखा है 550 ml ऑफ वाटर बोला है, तो 550 ml टाइप हमारी जो दीदी है उन्होंने हमको ये भोंगा निकाल के दिया है जिसमें हम बनाएंगे। भोंगा क्या होता है? ओ, मतलब वही बोगरनी। और बोगरनी? ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? ये पानी है, अभी इतना पानी डालते हैं और देखते हैं क्या इतने में होता है या ज्यादा डालना है। गैस को ऑन कर। अरे रुक तो जा यार, पहले इसको कुछ नहीं आता नूडल्स फूडल्स बनाना। तुझे बड़ा आता ना, तो तू ही कर ले फिर। तुझे गैस ऑन करना भी आता है? गैस ऑन करना मैं दिखाऊं? आज तो दिखाई देती। चल तुझे गैस मैं तेरे लिए कुछ बीच में बनाया भी था। मत यार। ओह माय गॉड, इसको गैस ऑन करना वाकई में आता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गैस तो इसने ऑन किया है, चलो उसको खोलते हैं। ठीक है यार, ऑडियंस फिर कमेंट करेगी कि तो इसको कुछ नहीं आता है ये वो। कमेंट करो भाई, बताओ जरा क्या इसको आता है। भाई ने बोला करने का। इसमें निकला है ये सुपर स्पाइसी मसाला, इसमें लिखा है सूप बेस और इसमें लिखा है फ्लेक्स, तो दोनों जाएंगे अंदर। और ये है नूडल्स। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है और अब हम डालेंगे इसमें नूडल्स। ये जो नूडल का ये जो है ब्रेक करके डाला थी, ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, ऐसे बनाया। वेरी गुड। ये देखो, ये ना पायलट को प्लेन उड़ाना भी सिखा सकती है। ये गया नूडल का केक। क्या बात, बकवास बातें कर रहा है ये लड़का। नूडल का केक, इसमें चॉकलेट भी डाल दे। नूडल्स तो गए अंदर, अब है मामला है मेन आइटम का। कौन सा है मेन आइटम? मेन आइटम ही तो वो सॉस है भाई। I'm cutting it. Okay, okay, okay. Wait, let it just simmer a little. सिमर फिमर बोल रहा है, इसका फेस सिमर होने वाला है जब ये खाएगा ये स्पाइसी। अरे आज मैं तुझे दिखाता हूँ, तू देख मैं कैसे खाता हूँ स्पाइसी। चल चल देखते हैं। वैसे तो लास्ट वाला चैलेंज अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये है उसका लिंक, ये है उसका लिंक, कहीं पे तो होगा, कहीं भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसको देख लो भाई, तो पता चलेगा कि कौन विनर है। वो स्मूदी चैलेंज था, वो स्पाइसी कुछ नहीं था, समझा? चल चल देखेंगे। द सुपर स्पाइसी फ्लेक्स। नो, दिस इज सूप बेस। ओह, दिस सूप बेस होगा। हां, फ्लेक्स ये है। ओके, ले कितना डाल, पूरा डाल क्या? पूरा क्यों? ओह माय गॉड, इट्स स्पाइसी ब्रो। तीखा।
Oh my God. Guys, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पूरा ही डाला है, इसमें कुछ भी नहीं है. We have used the whole thing. अभी डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये भी हम पूरा डालेंगे. चैलेंज कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं ना. हाँ हाँ ठीक है यार, अच्छे से ही करेंगे ना यार. मुझे पता है तुझे अच्छे से करने का ये सब कीड़ा कहाँ से आया है. तुझे पता है कि मैं खा नहीं पाऊंगा, इसके लिए तुझे अच्छे से. Yes, of course. Very good, very good. Oh my God, ये तो नॉर्मल चिली फ्लेक्स नहीं लग रहे, कुछ और ही लग रहा है यार. यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मिर्ची को ही काट काट के. इसका कलर देखो, जब ये डाला था तब ये कैसा येलो था और अब ये सिर्फ लाल है. इट्स ओनली रेड. अगर आप इसको स्मेल कर पाते ना तो आपको समझ में आता. आप बताइए भाई, आपने कभी खाया है क्या ये स्पाइसी नूडल? नहीं खाया है? नहीं खाया क्या है? ना, नेवर नेवर. ये तो मुझे लगता मैंने है, अभी है थोड़ा टाइम. आदि तुझे कुकिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है यार. पकने दे, तब तक जाके हम अपने क्वेश्चंस तैयार सवाल बवाल सोचते हैं. तैयार करें. आई हैव रिटन एवरीथिंग ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज हु इज माय फेवरेट एक्टर. मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यार ये सवाल का जवाब तो उसको पता ही होगा. नहीं, देयर इज अ ट्रिक. बिकॉज एक्चुअली हु इज माय फेवरेट एक्टर क्रश इज विजय वर्मा. और 100% आदि यही बोलेगा, विजय वर्मा विजय वर्मा. बट एक्चुअली वो मेरा फेवरेट एक्टर नहीं है, वो मेरा फेवरेट क्रश है. मेरा फेवरेट एक्टर शाहिद कपूर. तो शाहिद कपूर नहीं बोलेगा, वो विजय वर्मा बोलेगा. तो उसको खाना पड़ेगा फर्स्ट बाइट ऑफ नूडल्स. तो सेकंड क्वेश्चन ये है, विच स्कूल डिड आई गो टू. अभी अगेन इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन बिकॉज मैं दो स्कूल में गई हूँ. एक तो था नाजरेत कॉन्वेंट, जो एक कॉन्वेंट स्कूल था. मैं फर्स्ट से टेंथ तक वहीं पे थी. और उसके बाद है लॉरेंस. तो अगर वो लॉरेंस बोलेगा तो मैं नो बोलूंगी और नाजरेत बोलूंगी. और अगर नाजरेत बोलेगा तो मैं नो बोलूंगी. बड़ा हरामी हो बेटा. बड़े विचार विमर्श के बाद मेरे 5 क्वेश्चंस भी मैंने रेडी कर दिए हैं. विच वॉज माई फर्स्ट टेलीविजन शो. अभी ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरा पहला टेलीविजन शो जस्ट मोहब्बत था, लेकिन गूगली ये है कि मेरा एक्चुअली फर्स्ट टेलीविजन शो था बनेगी अपनी बात, जो जस्ट मोहब्बत से पहले था. ये शायद उसे नहीं याद रहेगा. तो अभी देखते हैं कि इसका जवाब वो दे पाएगी कि नहीं. ये मुझे लगता है नहीं दे पाएगी. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर इन शाकालाका बूम बूम. शाकालाका बूम बूम मेरा एक बहुत ही फेमस शो रहा है, ये उसे पता है. लेकिन उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम झुमरू था, ये उसे पता है कि नहीं? ये मुझे नहीं पता है. Noodles are ready guys and हम लोग ने अलग अलग बोल में नहीं डाला, सेम बोल में. नहीं तो दीदी इसमें ज्यादा कम डालेगी, मेरे में ज्यादा डालेगी. तो रेडी गाइज. अरे भाई मैं अपना बंदोबस्त करके लाया हूँ. ये आइसक्रीम है ताकि अगर खाते खाते तीखा लगे तो. एक्सक्यूज मी, ये सब नहीं कर सकते. ये सब चैलेंज में मैंने बोला था क्या कि ये सब है? No, लेकिन तुमने नहीं करना, ये भी तुम बोला था. ये सब अलाउड नहीं है, सिर्फ ये. हेलो मिस्टर, ये ही है, ये कुछ तो नहीं तीखा लगेगा तो आदमी करेगा क्या? आइसक्रीम चैलेंज नहीं है ये, नूडल्स चैलेंज है ये. तुम बाद में खा लेना. यहाँ पे रख तो सही. अच्छा वो टेम्प्ट दो करेगा, फ्लेवर्स लाया हूँ ताकि एक पसंद नहीं आया तो दूसरा फ्लेवर भी रहे. ठीक है, हम बीच में नहीं खाएंगे. लेकिन बीच में नहीं खाएंगे, बीच में नहीं खाएंगे तो बीच में नहीं खाएंगे तो क्यों रख रहा है यहाँ पर? क्योंकि चैलेंज खत्म होने के बाद जो मुंह का हाल होगा उसका क्या? उसके बाद खा लेना, अभी नहीं. गाइस पता नहीं क्या होने वाला है. ये भगवान क्या जुल्म है. मैंने बहुत सिंपल सवाल लिखे हैं जैसे कि आपको पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यू नो तेरे को ये सब खाना पड़े. अच्छा। तो मैं वाइफ और कंपेटिटर के बीच में अटक गई थी. दया की मूर्ति हमारे साथ में है, दया की मूर्ति. अभी पता चलेगा इसने क्या सिंपल. बहुत सिंपल सवाल है. फर्स्ट वन इज द मोस्ट सिंपल सवाल. मेरे स्कूल का नाम क्या है? Oh my God, ये शायद मुझे पता है. देख बॉस, तेरी 2-3 स्कूल्स है, उसमें एक का भी नाम अगर ये हुआ तो तुझे मुझे ये आंसर कलेक्ट देना पड़ेगा. सेंट लॉरेंस. नो नो, तेरे 3-4 स्कूल में से एक भी स्कूल का नाम नहीं है सेंट लॉरेंस. सेंट नहीं है लॉरेंस. लॉरेंस नहीं, चीटिंग यार. लॉरेंस तो बोला मैंने. सेंट नहीं है, तूने सेंट पहले बोला. अरे बट लॉरेंस जो था वो सेंट आदमी था. नहीं नहीं नहीं, मुझे कैसा पता होगा? हमारे स्कूल में तो नहीं बताया. ऊपर पे जो लिखा हुआ था नाम स्कूल में, वो लॉरेंस लिखा है, सेंट लॉरेंस नहीं लिखा है. ओह माय गॉड, ये चीटिंग है बहुत. यार एक मिनट, आपने कभी सुना है लॉरेंस? लॉरेंस के आगे सेंट लगता है यार बाय डिफॉल्ट. सेंट पीटर, सेंट जॉन, सेंट ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. चल खा. चल ठीक है, एक बाइट तो मैं आई थिंक खा ही लूंगा, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं. नहीं नहीं नहीं, देखो बाइट का ये मतलब नहीं है कि तू ऐसे ही एक नूडल ले ले, समझा? हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ ढंग से, लेकिन फिर तुझे भी मैं बाइट. गाइस प्लीज प्रे फॉर मी. 1, 2 and 3. इट वाज एट दिस मोमेंट ही न्यू. कैसा है? नहीं तीखा तो है यार. बहुत तीखा है क्या? तीखा है, बहुत तीखा नहीं है. अगर ये पूरा खाना पड़ जाए तो बैंड बज जाएगी. ये एक और बाइट मैं ले लूंगा, बट उससे ज्यादा मुझे तो मतलब तेरे को और एक ही गलत जवाब देना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना तीखा है ना, मुझे पता है ये साली 5 खा लेगी यार. तो राइट नाउ द स्कोर इज, मेरे को एक गलत मिला है और अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हु इज माय आइडल इन लाइफ? स्टीव जॉब्स. ओह नो, वाह क्या सीन है. I'm happy that she knows it, but I'm sad that she gave her right answer.
स्कोर इज 1-0, मेरे को एक गलत, इसको एक भी गलत नहीं। सवाल नंबर दो ये है कि मेरे और मेरे भाई के बीच का कितने साल का एज गैप है? 18 इयर्स का अभी हुआ है, 2023 में शायद 18, इसकी मैथ्स भी जीरो है। तेरे और तेरे भाई के बीच में आई थिंक 19 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। 19 इयर्स का? 19 इयर्स। Are you sure? क्योंकि 18 plus 18, 36, think lock किया जाए? या दोनों के बीच में 17 इयर्स का गैप है और वो इस साल 20 साल का हुआ। खत्म। बले बले ए बले बले। अब अब देखते हैं सेकंड बाइट में तुझे दिखा लेंगे। नहीं, सेकंड बाइट मैं ले लूंगा। देखो बॉस, कुछ भी हो जाए, जान जाए पर वचन ना जाए। क्योंकि मैंने अपने आप को ऑलरेडी इतना प्रिपेयर किया था। नहीं, ये ऐसे नहीं चलना चाहिए यार। नहीं, लेकिन अभी जो है ना, मेरा मुंह जलने लगा है। जलना दीदी, थोड़ा चिली फ्लेक्स लाओ। यार ये तो जीती जा रही है, इसका कोई गलत जवाब नहीं है। मेरी सब आइटम इसको पता है, इसकी कुछ आइटम मुझे नहीं पता। कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन नंबर टू, विच वॉज माई फर्स्ट टेलीविजन शो? चल अब ये बता, अब आएगा मजा आ गया। बनेगी अपनी बात। What the hell? How did you know that? What? I've been with this man for 14 years now. Yeah, but generally people think it's just mohabbat. It's not. I'm your wife. Of course I know. What the hell, yaar? Oh my God, ye to challenge kuch sahi mode pe nahi ja raha. Mujhe apne ghar jana hai. I swear on anything, मैंने इसको सवाल नहीं देखे। अब मुझे थोड़ा दिखा लग रहा है यार। दिखा लग रहा? Third question, easy question है। मेरा favorite actor कौन है? तेरा favorite actor कौन है भाई? No God, please no। देख boss, एक भारतीय नारी का है ना, कुछ भी फेवरेट ये फेवरेट वो, शादी के बाद उसका पति ही होना चाहिए। What love me? अगर तेरा पति नहीं है ना, तो तूने धर्म भ्रष्ट किया है अपना। बकवास कर रहा है ये आदमी। तो प्रॉब्लम ये कि तेरा फेवरेट एक्टर बदलते रहता है यार। तो मैं एक दो ऑप्शंस दूंगा, उसमें से एक भी हो गया तो तुझे मुझे आंसर। ठीक है ठीक है। अरे नहीं यार, मुझे पता है इसका फेवरेट एक्टर कौन है। वैसे हुआ करता था, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तेरा फेवरेट एक्टर है विजय वर्मा। तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ओ चल, मैं तुझे क्लू देती हूँ। क्लू? हाँ, क्लू दे। मैंने तुझे बहुत बार बोला है कि ये जो एक्टर है ना, ये एवरग्रीन एक्टर है। एवरग्रीन एक्टर है। ये वर्ड मैंने बहुत बार यूज किया है कि एक्चुअली मेरा फेवरेट एक्टर यही है, क्योंकि ये एवरग्रीन, ये होता है ना, पति पत्नी की बात सुनता नहीं है ना, तो उसको ऐसे भुगतना पड़ता है। अंडरस्टूड? तू मेरी बात नहीं सुनता। अरे तेरी बात, तेरी बात, तेरी एक तो फेवरेट एक्टर बदलते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बोला ही है कि पहले से ये एवरग्रीन है। ये एवरग्रीन। एक और हिंट दे दे यार मुझे कि वो यस्टरडेज़ का है कि अभी रीसेंट वाला। मतलब ये तो मतलब पूरा जवाब ही मेरे मुंह से निकालेगा। बोलना यार इतना, अभी तू एवरग्रीन। अभी का है, अभी का। रणबीर कपूर। रॉन्ग। रॉन्ग। शाहिद कपूर। मैंने कितनी बार तुझे बोला है, सर सॉरी। गलत है मैंने बहुत बार बोला है, नहीं सॉरी। मैं तुझे हेल्प करने की कोशिश भी किया थी। मैंने सच में तुझे हेल्प करने की कोशिश किया थी। मैंने एवरग्रीन भी बोला। तू मुझे कोई क्लूज नहीं देगा, मुझे पता है यार, क्योंकि मेरे क्वेश्चन से तू ऐसे ही गेस कर रही है बिना क्लूज। क्योंकि मैं इसकी बात सुनती हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनता यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं पता, इसको तो सब मालूम है मेरे बारे में यार। हे भगवान, ऐसे ऐसे थोड़ा ये बड़ा है भाई, थोड़ा एक और, ये बड़ा एक और नूडल, एक और नूडल। हाँ बस बस, ये ठीक है। अभी ये जो बाइट है ना, इसके बाद ना इसका पूरा गला जलने वाला है। इतना भी नहीं पता तुझे मेरे बारे में? तीसरा, तीसरे पे ही पहुंचे क्या अभी? मर गए यार। ये भी तुझे पता होगा यार, व्हाट वाज द नेम ऑफ माय कैरेक्टर इन शाकला का बूम बूम? ये तो तुझे पता ही होगा मुझे लगता है, या नहीं पता है? नहीं पता है? प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज, एक तो आंसर इसका गलत होने दो यार। मेरे तीन गलत हो चुके हैं, इसका एक तो गलत होने दो। झुमरू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात। मैंने शकला का बूम बूम का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, बट थैंक्स टू यू गाइस मुझे इसका नाम पता है। बिकॉज कभी भी जब रील शूट करते हैं तो नीचे कमेंट्स में झुमरू 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 इतना आते रहता है। दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ यू गाइस आई नो दैट हिज नेम इज झुमरू। थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। ऐसा होना चाहिए था कि अगर मैं सही जवाब बोलूं तो उसको एक और बाइक देनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, तो मैं नहीं खाना। क्यों नहीं हम लोगों ने सोचा? ऐसा नहीं है, सॉरी। ठीक है ठीक है, तू तेरा क्वेश्चन पूछ। वैसे तू ये चैलेंज जीत गई है, पर ठीक है, तू सवाल पूछ ही। ठीक है, चौथा सवाल मेरा ये है, व्हाट रन्स
बट डजंट वॉक. एक मिनट बॉस, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि क्वेश्चंस होंगे हमारे बारे में. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरे बारे में जो सारे सवाल है वो तो तूने गलत बोल दिया. नहीं, नहीं, एक बेटर के तू यही सवाल आंसर करे. यार ऐसे कैसे, तू कुछ भी सवाल पूछेगी क्या? तू अपने बारे में पूछना. ये मेरे बारे में तुझे पता भी नहीं, मैं तुझे हेल्प कर रही हूँ पागल. वाटर रन्स बट डजंट वॉक. मेरा जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, तूने जो लिखा है वही पूछना पड़ेगा. हाँ मैं लिखा है वही. व्हाट इज माय फेवरेट स्ट्रीट फूड आइटम दैट आई वांट टू ऑर्डर एवरी वीकेंड? ये तुझे पता होगा 99%, क्योंकि ये हमेशा अपना झगड़ा होता है. स्ट्रीट फूड item that you want to order every weekend. Don't play with my emotions. If you know it, just say. I have lots of options. Well, do you like sepuri? Wrong. Sepuri. No, मैंने option, जैसे तूने option दिया था, तूने तो easy कर दिया ये wrong बोल के. चल ठीक है. तू तीन तेरे options lock कर दे. मैंने भी तीन options लिए. तू तीन options. अच्छा चलो, मैंने sepuri तो निकाल दिया, क्योंकि sepuri उसने wrong बोला, तो मैं क्यों फिर लूँ sepuri का? Chinese भेल, पाया और kebabs. कौन से कबाब्स? फरीद कबाब्स. ये तेरा फेवरेट कबाब्स है. फाइनली गाइस, कुछ तो अभी मजा आया है. पहला क्या बोला तूने? चाइनीज बे. गलत जवाब. दूसरा क्या बोला? पाया. पाया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये गलत जवाब है. और तीसरा क्या बोला? फरीद कबाब सही जवाब है. स्टॉप करो. इसको सब पता है यार. ठीक है, तेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है बोल दे. मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन तू बोल दे फिर भी. तेरा लास्ट क्वेश्चन मेरा नहीं. नहीं, तुझे खाना तो पड़ेगा. क्यों? अभी तो जीत गई ना. नहीं नहीं, दो क्या हुआ? फाइव क्वेश्चन इज फाइव क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज, मेरी मम्मी का बर्थडे कौन से दिन है? तेरी मम्मी का बर्थडे है ना, कुछ कुछ साल में वेंसडे पे आता है, कुछ कुछ साल में थर्सडे पे. डेट क्या है? मेरी मम्मी के बर्थडे का डेट क्या है? तेरी मम्मी के बर्थ. आई नो योर मदर्स बर्थ डेट. झगड़ा होने वाला है उसके बाद. तेरी मम्मी का सनसाइन जो है वो मेरे बेटे के सनसाइन से मिलता जुलता है. मेरा बेटा आया जून में है. जून की लेकिन डेट क्या है मुझे नहीं पता यार. जून 6 है क्या? और दो चांस दे रही हूँ. 12th जून. और एक चांस दे रही हूँ. जून भी नहीं है यार. कौन सी जून है यार फिर? चल मैं ही भाई बना लूँ. एक मिनट यार, 6th जून था यार लास्ट टाइम. लास्ट ईयर मेरी मम्मी का बर्थडे ना 6th जून पे था. चल इस साल मेरी मम्मी का बर्थडे कौन से डेट पे आता? 15th जून. Yes, thank God. ये गेस में जीत गया लड़का. Yes, जीत गया. What the hell? चलो बॉस, कम से कम. 15 जून. और तेरी मम्मी का बर्थडे 23rd अप्रैल. गलत. मम्मी का बर्थडे 16th अप्रैल. नहीं, गलत. बड़ा उड़ रही थी. गलत. लास्ट 24th अप्रैल. मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है वो ठीक है, जो भी है. अगर तू गलत देगी तो तुझे खाना पड़ेगा. मैं पूछ लेता हूँ. वैसे तू जीत गई. विच इज माई फेवरेट वीडियो गेम? ये तो तुझे पता होना चाहिए यार. मैं ऑलमोस्ट शाम को या कभी भी वीकेंड पे बैठ के यहाँ पे खेलता हूँ जो गेम. तुझे ये नहीं पता? मैं तुझे इतना हेल्प किया नहीं. जो मैं और कुणाल साथ में खेलते हैं वो गेम का नाम क्या है? ये हेल्प थोड़ी है. ये तो हेल्प है ना भाई, इससे ज्यादा हेल्प क्या करूं? He is telling me the friend who he plays with. ये थोड़ी हेल्प है. अरे तो तूने कुणाल की मुझे भी सुना होगा ना. ओके चल, I'll give you one more hint, but I'll give you a very big hint. ओके, इसके बाद मुझे कोई हिंट नहीं देता और इसके बाद तुझे पता चलना ही चाहिए. द नेम ऑफ द गेम स्टार्ट्स विद एफ. फीफा नहीं है? नहीं है. टिक टिक वन, टिक टिक टू. नहीं नहीं, ऐसे टिक टिक मैंने उसको टिक टिक नहीं बोला था कभी. ये कैसे नहीं पता तुझे यार? पास नहीं. चल एक तो बाइट खा ले यार, एक तो बाइट खा ले. नहीं यार, पर पता क्यों नहीं है मुझे, ये पता होना चाहिए. अब मैं गिल्ट ट्रिप पे गई. कम से कम एक चीज ऐसी है जो उसको नहीं पता. चल पास, मैं बताऊ. अरे कम ऑन यार, मैं स्विच पे खेलता हूँ, एक्सबॉक्स पे खेलता हूँ, मैं पूरा टाइम वही तो खेलते रहता हूँ. यार इसने क्लू भी दे दिया. आई कांट बिलीव इट, रियली नहीं पता. पास पास. Finally, at least, एक question, एक bite तो ये लेगी, देखते हैं क्या होता है. अभी इसका reaction क्या होता है? Game का नाम है Fortnite. Oh yes, Fortnite. चल अभी bite ले. अभी तू मुझे बोल रही थी ना ये बड़ा bite, अभी तू भी एक बड़ा bite ले. Okay. हाँ. मैं double bite लिया. Hey, तू तो सब गिरा रही है नीचे. दिखा यार. दिखा है ना? Well done. मैं तुमको सच में लगा ही दिखा नहीं है. दिखा मतलब इतना दिखा जितना मैं सोच रहा था उतना नहीं है यार. I think मैंने over prepare किया अपने आपको. Anyway guys, I'm the winner last time. I was the winner. This time tiebreaker challenge होगा. ये बस एक मिनट कुछ है ना, मुझसे कुछ करवाना है तो करवा लो. कुछ एक्टिविटी है, कुछ डेयर है, ये वो सब मैं कर सकता हूँ. लेकिन ये डेट याद रखो, ये याद रखो. ये भाई तुमको तो पता ही है कि मर्दों का लूजर्स के पास हमेशा एक ना एक कोई एक्सक्यूज होता ही है. नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव एनी एक्सक्यूज, बट शी इज क्लियर.
क्लियरली द विनर एंड डेफिनेटली आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि तुझे इतना कुछ सब याद है। मैं कैसे भूल गई यार। अब नहीं भूलेगी कभी। ये मेरे लिए मुश्किल होने वाली है। अब मेरे को इसको पनिशमेंट भी तो देना पड़ेगा ना। पिछली बार उसने मुझे बोला था बर्तन धोने के। अब पनिशमेंट क्या है तू ये बता। पनिशमेंट ये है कि तुझे नहीं खाना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। पनिशमेंट ये है, सोचने दो यार, आई टेक 5 मिनट्स, आई बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पनिशमेंट मैंने सोच लिया है। ये बड़े ताव में ऐसे बोली कि किचन में चल, मैं तुझे मैंने किचन में बताया भी नहीं। जब कैमरा ऑफ भी होता था मैंने कहा हाँ मैंने सोच लिया, तो आदि ने कहा क्या है, मैंने कहा नहीं मैं कैमरा पे बताऊंगी। रेडी रेडी प्लीज मूव। ओह प्लीज मूव, क्या बात है यार। That's not fair, guys. ये personal attack कर रही है मुझ पे. This is not fair. No nasta for 1 week. Nasta for 1 week. And no sodas What for 1 week. What nonsense? You have to listen to me. That's not fair. ये एक हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं. दीदी उसको कुछ मत देना. अरे लेकिन एक हफ्ते की तो बात नहीं, तू आज का कुछ बता ना. नहीं नहीं आज का कुछ नहीं यार, सारा काम हो चुका है, कुछ भी नहीं है. आज मैं तुझे pressure नहीं देना चाहती. तूने बहुत spicy noodles खाए हैं आज, कुछ नहीं. ठीक है ये सब, यू बिल सच अ ग्रेट वाइफ एंड यू नोन एवरीथिंग. एक वीक के लिए मैं ये सब बंद. तू नाश्ता वही खाएगा जो मैं खाती हूँ, पोहा, उपमा, साबुदाना, टोस्ट, एवोकाडो, डोसा, इडली. ओके बाय गाइस, दैट्स द वीडियो. होप यू गाइस लाइक्ड इट. आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, कौन सा नेक्स्ट चैलेंज करना चाहिए आपको, ये आपने नूडल्स खाए है कि नहीं, आपको तीखा लगा है नहीं लगा है, क्या है एंड और क्या. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए यार. वी नीड योर लव, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस things for your love. Subscribe to our channel. That's about it. See you guys in the next one. Bye bye guys. Bye.